मुंबई आज भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई को ट्रेड हब के रूप में विकसित करने में अंग्रेजों का काफी बड़ा योगदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंबई अंग्रेजों को दहेज में मिला था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अंग्रेजों से पहले मुंबई पर पुर्तगालियों का कब्जा था। 1626 में पहली बार अंग्रेजों ने मुंबई की तरफ रुख किया। हालांकि पुर्तगालियों के साथ 1612 में भी अंग्रेजों ने जंग लड़ी थी, लेकिन मुंबई काफी हद तक सुरक्षित था। अंग्रेजों ने हमला किया और पुर्तगालियों के 2 नए जहाज जला दिए, लेकिन फिर भी कई जहाज नहीं मिले और अंग्रेजी सैनिक ने वहां की बिल्डिंगों में आग लगा दी। फिर भी वो खाली हाथ ही वापस गए, क्योंकि बॉम्बे गहरे पानी का पोर्ट था, इसलिए वहां बड़े जहाज आसानी से आ सकते थे। इसलिए ये तार्किक तौर पर बहुत अहम था। इस द्वीपों के समूह को पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत की, लेकिन क्योंकि मुंबई पर किसी भी रास्ते से जमीनी हमला नहीं किया जा सकता था, तो ऐसे में अंग्रेजों को रुकना पड़ा। आखिर अंग्रेज किसी बाहरी तौर पर बॉम्बे पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें बॉम्बे बड़ी आसानी से मिल गया। बॉम्बे पर अंग्रेजों की नजर बहुत पहले से थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे ले नहीं पाए। ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई। 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दे दिए गए, पर इस कस्बे पर चार्ल्स ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए। वो विवाद से बचना चाहते थे और तब चार्ल्स ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 10 पाउंड सोना सालाना के किराए पर दे दिया और इस तरह मुंबई पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।